हाय फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक डोसा का रेसिपी। ना ही हम लोग दाल राइस को पहले से भिगोएंगे, ना ही उसको फर्मेंटेशन की ज़रूरत है। एकदम इंस्टेंट बन जाएगा ये डोसा, इंस्टेंट स्पॉन्ज डोसा। एकदम सुपर सॉफ्ट ये डोसा बनता है, इसीलिए इसको सेठ डोसा भी कहा जाता है। एकदम स्पॉन्ज की तरह नरम सॉफ्ट बन के ये डोसा रेडी होता है। और मैं रवा से बनाऊंगी तो एकदम 100% ये हेल्दी ऑप्शन में रहेगा। हम लोग अभी रेसिपी को चेक करेंगे। डोसा जैसे हम लोग सर्व करते हैं कोकोनट चटनी एंड आलू का मसाला, वो भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। पहले हम लोग चटनी बना लेते हैं। एक मिक्सिंग जार के अंदर मैं फ्रेशली चॉप कोकोनट ले लिया। एक फुल कोकोनट को मैंने तोड़ के उसका छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया, और वो पीछे वाला जो कोकोनट का ब्लैक कलर का हिस्सा है उसको मैंने हटा दिया था। 1.5 टेबल स्पून रोस्टेड चना इसके अंदर डाल दूंगी। ये फुल चना है, आप चाहो तो हाफ वाला भी ले सकते हो। और थोड़ा सा इमली डाल दिया, कुछ धनिया का पत्ता इसके अंदर डाल दूंगी, और 2 ग्रीन चिली भी इसके अंदर डाल दूंगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट इसके अंदर डाल दूंगी, और थोड़ा सा हम लोग पानी डालेंगे। पानी डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसी स्टेज में आपको अगर पसंद है थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हो। मैं शुगर यहाँ पे स्किप कर दिया। देखिए चटनी यहाँ पे रेडी है। दूसरा एक बोल के अंदर ये चटनी को मैं उठा के रखूँगी, और ये चटनी को अभी एक तड़का लगाएंगे। उसके लिए एक पैन ले लूँगी, और पैन के अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। मैं इस चटनी का तड़का के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया। आपको अगर मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं तो कोई भी दूसरा कुकिंग ऑयल डाल सकते हो। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इस ऑयल के अंदर मस्टर्ड सीड डाल दूंगी। 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 6 to 7 कारी लीव्स इस ऑयल के अंदर डाल दूंगी। ये सारी चीज़ों से ना बहुत अच्छा एक एरोमा निकल आता है। इन सारे चीज़ जैसे ही क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएगा मैं उसी स्टेज तक इन सारे चीज़ों को मैं कुक करूँगी। देखिए ये सारे चीज़ क्रैकल्स हो रहे हैं ना, और अच्छा सा एक एरोमा भी निकल रहा है। तो ये एरोमेटिक ऑयल हम लोग हमारा चटनी के अंदर डाल देंगे। ये ऑयल हम लोग पूरा चटनी के अंदर मिक्स कर देंगे। ये चटनी ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा चटनी इडली डोसा बड़ा सब के साथ आप सर्व कर सकते हैं। हमारा चटनी तो यहाँ पे एकदम रेडी है। इसको अभी मैं साइड में रख दूंगी, और जो आलू का मसाला था वो कैसे बनाया उसके और हम लोग अभी ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं एक पैन के अंदर 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले लूँगी। मस्टर्ड ऑयल जैसे ही अच्छा से गर्म हो जाएगा मैं इसके अंदर थोड़ा सा मस्टर्ड सीड भी डाल दूंगी। अभी देखिए मस्टर्ड सीड चटक रहा है, तो इसी स्टेज में मैं इस ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून उड़द की दाल एंड 1 टेबलस्पून चना की दाल भी डाल दूंगी। मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके रखेंगे, और ये दाल को हम लोग 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। उसी में ही दाल का ना एक अच्छा सा एरोमा निकल आएगा। तो उसी स्टेज तक ही हम लोगों को ये दाल भूननी है। ये आलू स्टफिंग मसाला में ये दाल बहुत अच्छा लगता है। अभी इस ऑयल के अंदर मैं 6 to 7 कारी लीव्स भी डाल दूंगी। कारी लीव्स ऑयल के अंदर जाते ही ना बहुत उछल कूद कर रहा था, मैंने इसीलिए थोड़ा प्रेस करके रखा उसको। अभी देखिए एक ग्रीन चिली को भी चॉप करके इस ऑयल के अंदर डाल दिया। सारी चीज़ों का एक अच्छा सा खुशबू अभी निकल रहा है। इसी स्टेज में मैं इस ऑयल के अंदर छोटा टुकड़ा में काट किया जिंजर भी डाल दूंगी। सारी चीज़ को अच्छा से हम लोग मिला लेंगे। जिंजर का भी रॉ स्मेल यहाँ पे चला गया, तो इसी स्टेज में मैं एक बड़ा साइज का ऑनियन को राफली चॉप कर लिया। उसको भी ऑयल के अंदर डाल के हम लोग भुनेंगे, और गैस का फ्लेम हमारा वो मीडियम टू हाई है अभी तक। कॉन्टिन्यूसली अपने स्पैचुला घुमाते हुए इस ऑनियन को फ्राई करेंगे। ऑनियन को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ऑनियन के अंदर जो मिठास है ना वो हमें बरकरार ही रखना है। तो ऑनियन देखिए आफ्टर 2-3 मिनट्स बाद ये अच्छा से फ्राई हो गया। तो अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर सॉल्ट भी डाल देंगे। थोड़ा सा ये मसाला हमारा कलरफुल लगे इसके लिए हल्दी पाउडर एंड रेड चिली पाउडर भी डाल दूंगी।
और ये देखिए ये है सांबर पाउडर, ये भी मैं हाफ टेबल स्पून ले लिया। इस आलू का मसाले में ना ये सांबर पाउडर बहुत इम्पोर्टेंस है, आप अगर डालेंगे तो खाने में देखना कितना मज़ा आता है। सारे मसालों को मिलाते हुए ऑनियन को एक मिनट के लिए और हम लोग भून लेंगे। ऑनियन जैसे ही हमारा रेडी हो जाएगा इसके अंदर मैं बॉईल की हुई आलू भी डाल दूंगी। यहाँ पे देखिए दो मीडियम साइज का आलू मैं बॉईल कर लिया। आलू जैसे ही थोड़ा ठंडा हो गया आलू का स्किन उतार के मैं आलू को थोड़ा प्रेस करके छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ लिया। ऑनियन भी जितना क्वांटिटी का लिया आलू भी मैं उतना ही क्वांटिटी का इसके अंदर डाल दिया। आलू एंड ऑनियन का क्वांटिटी अगर सेम रहेगा ना तो ये मसाला खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आलू का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा था ना उसको प्रेस कर करके मैं ये आलू का मसाला रेडी कर दिया। देखिए आलू का मसाला यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया। अभी इस आलू ऑनियन का मसाला के अंदर मैं फ्रेशली काटी हुई कोरिएंडर लीव्स भी डाल दूँगी। सारे चीज़ को और एक बार अच्छे से हम लोग मिला लेंगे और ये हमारा आलू मसाला एकदम रेडी है। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी कि हम लोग अभी डोसा को बनाएंगे। अभी हम लोग डोसा का बैटर को पहले प्रिपेयर करेंगे। इस डोसा के लिए मैं एक कप सूजी का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे एक मिक्सर का जार ले लिया, उसके अंदर ये एक कप सूजी डाल दूँगी। ये देखिए ये नॉर्मल सूजी है, आपके पास जो भी सूजी अवेलेबल है उसी से आप ये डोसा बना सकते हो। सूजी मोटा हो या पतला हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे सूजी को हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के पीस लेंगे। आप यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए, जैसे मैं एक कप सूजी लिया ना तो 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे पोहा ले लूँगी। पोहा को पहले से भिगोने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली मैं पोहा को वाटर से वॉश कर लूँगी और ये मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दूँगी। जिस कप का मेज़र करके मैं एक कप रावा लिया था सेम उसी कप का मेज़र करके मैं एक कप दही भी इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दूँगी। कोई भी एक कप या कटोरी का मेज़र करके सेम क्वांटिटी में दही एंड रावा को आप ले लीजिए। यहाँ पे मैं घर का जमा हुआ दही यूज़ कर रही हूँ, आप मार्केट वाली दही लेंगे तो भी चलेगा, पर दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अभी ये मिक्सर ग्राइंडर की जार में मैं 1 टेबलस्पून शुगर डाल दूंगी और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट भी इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा मैं मेथी ले लिया, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आधा कप वाटर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो मैं मेज़र और एक बार बोल रही हूँ, 1 कप दही 1 कप रवा और उसका हाफ क्वांटिटी में वाटर ऐड कर दीजिए। सारे चीज़ मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के मैं इसका अभी पेस्ट बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे पेस्ट एकदम रेडी हो गया, ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए इस डोसे के लिए, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी इस बैटर को मैं एक बोल के अंदर रख लूँगी। सूजी को हमने पीस के ये बैटर रेडी किया ना, तो सूजी यहाँ पे पेस्ट फॉर्म में है तो सूजी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो आप इसी स्टेज में अपना डोसा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। पर मैं इस बैटर को अभी 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। आफ्टर 10 मिनट्स मैं इस बैटर के अंदर इनो फ्रूट सॉल्ट डाल दूंगी। आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो मीठा सोडा आप डाल सकते हैं, जो नॉर्मली खाने का सोडा होता है वही। ये फ्रूट सॉल्ट पूरा 1 पैकेट डाल दूंगी इस बैटर के अंदर। अभी थोड़ा सा वाटर डाल के एक साथ सारे चीज़ मिक्स कर लेंगे। अभी जो बैटर के अंदर झाग उठ रहा है तो इसी स्टेज में आप डोसा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले से तवा को गर्म करके डायरेक्ट आप ये डोसा का बैटर तवा के अंदर डाल सकते हैं, पर मैं 2 मिनट बाद डोसा बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी ये सारे चीज़ अच्छे से मिला लेंगे, फिर जाके मैं तवा को गरम करने बैठाऊंगी। गैस के ऊपर तवा बैठाया, तवा भी काफ़ी अच्छे से गरम हो गया। अभी इस तवा के ऊपर थोड़ा सा हम पानी छिड़केंगे। देखिए यहाँ पे 2 मिनट्स भी ख़त्म हो गया। अभी ये बैटर को हम लोग धीरे धीरे तवा के ऊपर डाल देंगे।
अभी जो बैटर को हम लोग डालेंगे तो बैटर को हम लोग स्प्रेड नहीं करेंगे, बैटर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी डोसा के ऊपर देखिए कैसे छोटा छोटा होल्स हो रहा है ना, तो इसी स्टेज तक हमें गैस का फ्लेम हाई करके रखना है। जैसे ही सारे होल्स हो जाएगा तो हम लोग गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो करके एक मिनट तक और डोसा को हम लोग पकाएंगे। ये देखिए मैं पलट के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा से कलर आया ना इस डोसा का। तो हमारा डोसा यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी है। मैं डोसा का एक ही साइड पकाऊंगी, दो साइड नहीं पकाया जाता इस स्पॉन्जी डोसा को। मार्केट में कई कई जगह पे इस ऊपर वाला हिस्से में थोड़ा बटर डाल के भी इसके पकाया जाता है, पर हमारा डोसा यहाँ पे रेडी है। मैं एक प्लेट के ऊपर इसको रख दूंगी और दूसरे डोसा का प्रिपरेशन भी कर लूंगी। ये देखिए पहले पानी छिड़कूंगी, उसके बाद डोसा का बैटर इस तवा के ऊपर डाल दूंगी। जैसे ही डोसा के ऊपर छोटा छोटा होल्स हमें नजर आएगा तो गैस का फ्लेम उस स्टेज में हमें लो करके देना है। देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा पूरा डोसा यहाँ पे रेडी हो गया। पूरा डोसा जब हमारा बन गया तब मैं इसका प्लेटिंग भी कर दूंगी। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका वही लाइक मेरा मोटिवेशन को बढ़ा देता है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरी रेसिपी को बनाते हुए आपका जो भी अनुभव है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए। मैं मिलूंगी अपने कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।